बीएड क्लास फर्स्ट ईयर, बीएड क्लास सेकंड ईयर और इंटीग्रेटेड क्लास थर्ड ईयर और इंटीग्रेटेड क्लास फोर्थ ईयर। आप पढ़ रहे हैं इतिहास, शिक्षण, हिस्ट्री, पेडागोजी। इसमें आप पढ़ रहे हैं टीचिंग एड। आपको ये पता ही है फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर यानी इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर और बीएड फर्स्ट ईयर में ये आपका जो टॉपिक है वो इस क्लास के अंदर टीचिंग एड के रूप में है और सेकंड ईयर और फोर्थ ईयर में ये नॉन प्रोजेक्ट एड्स के रूप में है। अप्रक्षेपित सामग्री में तो आज हम इसमें पढ़ेंगे ग्राफ और मॉडल। तो सबसे पहले ग्राफ को देखें कि हम ग्राफ का उपयोग इतिहास में कैसे करेंगे। सामान्य हम देखते हैं ग्राफ का उपयोग हम मैथ्स में करते हैं, किसी आंकड़े को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन इतिहास शिक्षण में भी ग्राफ की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी राजवंश का उद्भव कहाँ से प्रारंभ हुआ, विकास कैसे हुआ, कैसे कार्यकाल चल रहा था, किस समय से किस समय के पीरियड तक चल रहा था, टाइम पीरियड कितना था उसका, एरा कितना था, पतन कब हुआ और क्या उस समय शुरू में पतन था, बीच में उसका विकास था, फिर पतन था, ऐसा कुछ था, तो उसको हम दिखाने के लिए क्या करते हैं, ग्राफ का उपयोग करते हैं। ग्राफ क्या है, एक समतल चित्र है जिसमें खड़ी और आड़ी रेखाओं के द्वारा हम चौकड़ी बनाते हैं। ये सब सामान्य आप सब जानते हैं। इस पर हम कुछ बिंदु अंकित करते हैं और संख्यात्मक स्थिति के आधार पर दृश्यात्मक रूप को प्रस्तुत करते हैं। हम सूचनाओं को, तथ्यों को संबंधित करके फिर उसकी व्याख्या करते हैं। अब इसके प्रकार देखें, सबसे पहले रेखा ग्राफ, लाइन ग्राफ होता है, दूसरा दंड ग्राफ जिसको हम ब्लॉक ग्राफ कहते हैं, और तीसरा है वृत्त ग्राफ। रेखा ग्राफ में क्या है, इसमें जो सरल रेखाएं होती हैं और तथ्य सूचनाएं सामान्य रूप से दी हुई होती हैं, और उपयोग होता है इसमें समय रेखा का। जैसे अकबर का टाइम पीरियड है, उसमें देखा गया 1542 से धीरे धीरे अप हो रहा है, 48 में, 1560 में धीरे धीरे डाउन जा रहा है, तो इस प्रकार से दूसरा कोई शासक आया तो, या मुगल वंश का देखें तो अगर शुरू से लेकर के एंड तक देखें तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, उस बॉक्स में इसको हम क्या करेंगे, लाइन ग्राफ। दूसरा क्या है, दंड ग्राफ, इसमें छड़ें या बॉक्स बनी हुई होती, ब्लॉक बने हुए होते हैं और इसमें तुलना करते हैं दो शासक की, कि मुगल और राज में संबंध था, अकबर और आमेर के राजा में संबंध था, लेकिन मुगल साम्राज्य में शासक कैसे थे और राजपूतों का जो शासन था वो कैसा था, क्योंकि राजपूत उनके कंट्रोल में थे तो उनका ग्राफ नीचे बताया जाएगा उस समय के आधार पर। तीसरा क्या, व्रत, इसमें हम एक शासक लेते हैं कोई भी, जैसे आप अगर किसी गुप्त वंश के राजा को लेते हैं, चंद्रगुप्त को या और किसी शासक को, तो उसको उसकी सूचनाएँ बताएंगे कि उसके युद्ध कौन से थे, विजय कौन सी थी, तो हर जो हमारा ये अलग अलग जो बॉक्स बने हुए हैं इनके आधार पर इस वृत्त में हम क्या बनेंगे, सर्कल में, तो इसे हम सर्कल ग्राफ बोलेंगे। तो एक ही शासन के कार्यकाल, युद्ध, विजय आदि को प्रस्तुत किया जाता है। इसको देखें अब तीसरा जो चौथा जो प्रकार है वो है चित्रात्मक ग्राफ। इसको हम पिक्चोरिकल ग्राफ कहते हैं। इस ग्राफ चित्रों के आधार पर विचार व्यक्त किए जाते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की सेना की संख्या, विभाग, इनको प्रस्तुत करने के लिए हम रथ, सेना, घोड़ा, हाथी और जो घुड़सवार पैदल है, इसको हम अलग अलग प्रकार से चित्रों के द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। इन चित्र बनाएं, ये घोड़ा सेना, ये घोड़े की सेना है, रथ की सेना है, घुड़सवार की है, ये पैदल की है, तो एक तरह से चित्र बनाएंगे इसमें। इसमें अगर रथ है तो रथ रथ का चित्र होगा, हाथी है तो हाथी का चित्र होगा, घुड़सवार है तो घोड़ों का चित्र होगा, और अगर पैदल सेना है तो पैदल सेना के बहुत सारे सैनिक खड़े हुए दिखाई देंगे। इस प्रकार से चित्र के द्वारा हम क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। नौ सेना है तो नौ सेना का भी प्रस्तुत करेंगे, पांच प्रकार के अलग अलग। तो चित्रों के द्वारा किसी राजा के या शासक के समय जो कार्य हुआ है उस कार्य को व्यक्त करने का प्रयास हम ग्राफ के द्वारा कर सकते हैं। अब ध्यान क्या रखना है, इसमें विशेष सावधानी क्या रखनी है, कि जब भी ग्राफ बनाया जाए सूचना के आधार पर, तथ्यों के आधार पर हम बनाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि वहाँ रेखा ग्राफ का उपयोग आएगा, दंड ग्राफ का उपयोग आएगा, या वृत्त का, या चित्रात्मक ग्राफ का। चारों में से जो ग्राफ है उसको चुनेंगे और उसमें भी हम सही रूप से जिस राजा का, शासक का, या प्रकरण का, या टॉपिक का जो हम लेना चाहते हैं, जो विषय, उसी को हम दिखाएंगे और छात्रों को इसको पूरा भरना सिखाएंगे।
तो शिक्षक इसके लिए क्या होना चाहिए, ट्रेन होना चाहिए, यानी कि शिक्षक को आना चाहिए कि ग्राफ कैसे भरा जाता है और कौन से ग्राफ का उपयोग किस विषय में होगा, ये होना चाहिए। तो ये था ग्राफ। इसके अलावा हम देखें मॉडल। मॉडल आप सामान्य जानते ही हैं,